और मुझे कहते हैं मीम और मेरा नाम है माहिम और आप देख रहे हैं क्लासेस और आज की वीडियो में क्या होने वाला है आज कुछ जबरदस्त आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जिसके लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और आई होप आप लोग भी होंगे क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन कराची सिटी एंड मुंबई आप सब जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जो मुंबई है वो इंडिया का बहुत बड़ा शहर है तो दोनों में क्या डिफरेंस दोनों अपने कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत फेमस है हाँ दोनों ही अपनी जगह बहुत फेमस है तो आज हम ये देखने वाले कि दोनों में डिफरेंस कितना है क्या क्या डिफरेंस है और दोनों में हम एंड में ये कंक्लूड भी करेंगे कि दोनों में बेटर क्या है यानी कि अब एक कराची वर्सेस मुंबई करने वाले एक देखने वाले इसमें और हम देखेंगे कि कौन जीतता है एंड में मुंबई जीतता है या कराची जीतता है हम जवाब देंगे बिल्कुल फेयरली बताएंगे मुंबई बताएगा कराची इसकी जीतें ज्यादा अच्छी है हाँ और ये जो है इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं प्यारा होता है लेकिन फिर भी एक फेयर बताएंगे इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं ये वीडियो बिल्कुल फेयर बनाई हुई है हर चीज के हवाले से तो अभी को दोस्तों भारत और पाकिस्तान के दो ऐसे शहर हैं जो कि अपने अपने देशों की आर्थिक धड़कन कहलाते हैं जी हाँ दोस्तों जहाँ मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है वहीं कराची पाकिस्तान की आज हम आपको इन दो बड़े शहरों के बीच के अंतर बताएंगे एरिया के हिसाब से कराची का एरिया 3,780 किलोमीटर स्क्वायर है वहीं मुंबई की मेगा सिटी 603 किलोमीटर स्क्वायर और मेट्रो सिटी 4,355 किलोमीटर स्क्वायर है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से कराची की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ है वहीं मुंबई की जनसंख्या 2.5 करोड़ है जीडीपी के हिसाब से कराची की जीडीपी 113 बिलियन डॉलर्स है वहीं मुंबई की जीडीपी 368 बिलियन डॉलर्स है आपको बता दें कि कराची की जीडीपी पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 60% योगदान करती है वहीं मुंबई की जीडीपी भारत की कुल जीडीपी में 33% योगदान देती है डेंसिटी के हिसाब से कराची की 24,000 किलोमीटर स्क्वायर है वहीं मुंबई की 21,000 किलोमीटर स्क्वायर है जाति और धर्म के हिसाब से कराची में 96.5% मुस्लिम 2.49% क्रिश्चियन 0.86% हिंदू है वहीं मुंबई में 65.99% हिंदू 20.65% मुस्लिम 4.85% बुद्धिस्ट 4.10% जैन 3.27% क्रिश्चियन 0.49% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है जहां साल में लगभग 62 लाख पैसेंजर्स का आना जाना रहता है वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहां दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है यहां करीब साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना रहता है दोस्तों कार्स और बाइक्स की बात करें तो आपको कराची की हर जगह पर होंडा CD70, होंडा CG125, सुपरस्टार 70cc, यूनिक 70cc, यामाहा धूम 70cc, यामाहा जुनून 100cc और हीरो RF 70 ज्यादा देखने को मिलेगी वहीं मुंबई में हीरो स्प्लेंडर प्लस बजाज पल्सर 150 यामाहा FZ TVS अपाचे हीरो पैशन प्रो और दुकाती ज्यादा देखने को मिल सकती है वहीं कार्स की बात करें तो कराची में सुजुकी महरन सुजुकी बोलान टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक जैसी कार्स देखने को मिल सकती हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मारुति डिजायर मारुति अल्टो मारुति वितारा ब्रेजा ऑडी Q8 ज्यादा देखने को मिल सकती है चलिए दोस्तों अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं औसतन एक मिनरल वाटर बॉटल मुंबई में 14.7 रुपए की मिलती है वहीं कराची में लगभग 15 भारतीय रुपए की एक सस्ते या यू कह ले नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक आदमी का एक वक्त का खाना मुंबई में औसतन 100 रुपए का मिलता है वहीं कराची में 140 भारतीय रुपए का मिलता है मैकडॉनल्ड्स की एक मैक मील की बात करें तो औसतन मुंबई में 250 रुपए में मिलती है
वही कराची में 306 भारतीय रुपए में मिलता है। अगर दोस्तों आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो पर स्क्वायर मीटर रेट भी जान लो। कराची में सिटी के सेंटर में औसतन पर स्क्वायर मीटर 80,000 भारतीय रुपए है, वहीं मुंबई में सिटी के सेंटर में औसतन 8,00,000 के करीब है। एवरेज मंथली सैलरी 1% की टैक्स को हटा के कराची में 16,000 भारतीय रुपए है, वहीं मुंबई में 55,000 रुपए है। कराची में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई लोकल ट्रेन्स है, न कोई मोनोरेल या न कोई मेट्रो ट्रेन्स है। वहीं मुंबई के लोकल ट्रेन्स के बारे में कौन नहीं जानता, मुंबई में लोकल ट्रेन्स और मेट्रोज भी है। दोस्तों अब बात करते हैं इन शहरों के घूमने फिरने और कुछ फेमस जगहों की। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में मुंबई में जहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, गोवर्धन इको विलेज, श्री सिद्धि विनायक, हजी अली दरगाह, माउंट मैरी चर्च, नरीमान पॉइंट, मरीन ड्राइव, कन्हेरी केव्स, कोलाबा, जुहू और चौपाटी बीच, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हैंगिंग गार्डन्स, शिवाजी पार्क, एडलिब्स इमेजिका, वर्सोवा बीच, भेंडी बाजार या फिर चोर बाजार, होटल ताजमहल पैलेस जा सकते हैं। वहीं कराची में नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम, चोरना आइलैंड, मोहटा पैलेस, कायदे आजम हाउस म्यूजियम, टर्टल बीच, चोखंदी टॉम्स, तूबा मस्जिद, पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम, इब्ने कासिम पार्क जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा शहर बेहतर लगा, मुंबई या फिर कराची? अपने जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। सब कुछ बता दिया, फिर पूछ रहे हैं आप बताएं क्या बेटर, कोई भी बता देगा कौन सा बेटर है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा। मुझे सच बताती हूँ मुंबई, क्योंकि वहाँ सैलरी भी ज्यादा है। हमारी सैलरी देखो, उनकी सैलरी देखो। हाँ सैलरी का तो मतलब खाने और बाकी चीजों में तो फिर भी 4 रुपए का 5 रुपए का इतना फर्क था, लेकिन सैलरी में तो जमीन आसमान का फर्क। सैलरी में, पॉपुलेशन में और जीडीपी में, यार जीडीपी बहुत है और उनकी कंट्री का 33% हिस्सा है, यानी कि उनकी उनका इतना कम भी इतना ज्यादा है और हमारा इतना ज्यादा भी इतना कम। चलो वो तो पॉपुलेशन के उसके हिसाब से, बट सैलरी, इसको सैलरी चाहिए, इसको सैलरी का दुख है। सैलरी का दुख जो कराची वर्सेस मुंबई ये जो है ये जीत लिया है मुंबई ने, क्या बात। तो मेरी तरफ से तो मेरे जो पॉइंट है वो मुंबई, मेरी तरफ से भी मुझे अंदाजा नहीं था। अगर हम एज अ कराची का कराची हाइट्स लेकर ना देखें होके इस वीडियो को देखें और सब चीजों को देखें, तब हमने बताया है कि तब हम कहते हैं कि मुंबई बेटर है, क्योंकि वो वीडियो देखकर भी पता लग रहा है कि क्या बेटर है क्या नहीं। तो हमारी तरफ से तो मुंबई को पॉइंट जाता है और हमें भी मुंबई में शिफ्ट हो जाना चाहिए अब, क्योंकि तो आप लोग अपने अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ वीडियो देखी है तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमें बता दें आपको जिस जिस चीज़ों पर हमारा रिएक्शन देखना है हम जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।